यहाँ इस समय खड़ा हूँ रुद्रप्रयाग जिले के ऊखी मठ में, जहाँ से होकर चार धाम यात्रा के यात्री लगातार गुजर रहे हैं। लेकिन इनमें से शायद ही किसी यात्री को ये गुमान हो कि इस इलाके में महिला सशक्तिकरण के लिए एक FPO के द्वारा एक ऐसा आंदोलन चलाया जा रहा है जो इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। खास बात यह है कि महिला सशक्तिकरण के साथ ही ये आंदोलन यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित हो रहा है। लकड़ी के इन छोटे छोटे बक्सों में बंद गुनगुनाती मक्खियों को जरा ध्यान से सुनिए। ये मधुमक्खियां खुश हैं क्योंकि ये इन बक्सों में अपने को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और इसी खुशी में आसपास के जंगली और पहाड़ी फूलों से इकट्ठा किए गए पराग कणों और रस से ये मक्खियां जो शहद तैयार करती हैं, वो पहाड़ की इन महिलाओं की जिंदगी में मिठास घोल रही है। खर्चा तो घर में बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी खर्चा चाहिए, पढ़ाई के लिए बच्चों के, और घर में तो राशन पानी है, वो भी तो हमको ऐसे लाने पड़ते मार्केट से, उसके लिए तो हमको खर्चा चाहिए। हमारा साल में होते हैं मतलब 60 किलो करीब शायद होते, और थोड़ा हम घर के लिए बचाते हैं और उसको देते हैं देवभूमि कंपनी। इन महिलाओं के जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई थी करीब एक दशक पहले, जब एटी इंडिया नाम के गैर सरकारी संगठन ने इन पहाड़ों के जनजीवन का संरक्षण करते हुए स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यहां एक सर्वे किया। मधुमक्खी पालन पहाड़ों का पारंपरिक व्यवसाय रहा है, जिसके कारण संस्था ने इस क्षेत्र में काम करने का फैसला किया। जो इसको कमर्शलाइज करने वाला हमारा मकसद था, उसको हम लोगों ने इससे इस तरह से किया कि जो वॉल हाइव थी ट्रेडिशनली, उसको इम्प्रूव किया, उसमें नई टेक्नोलॉजी दे करके तो उसको इम्प्रूव वॉल हाइव के रूप में तब्दील किया। उसके बाद में जो ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग था, वो बहुत इंटेंसिव तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर संचालित किया। जो प्रोड्यूसर ग्रुप्स हैं उनको बनाया। प्रोड्यूसर ग्रुप बनाने का मतलब ये होता है कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल तभी अचीव कर सकते हैं पहाड़ों में, जब आप ग्रुप बेस्ड या कोऑपरेटिव बेस्ड अप्रोच पर काम करें। इसमें हमने सोचा कि एक तो मधुमक्खी का इस एपिस सेराना इंडिका का जो विलुप्त हो रही थी, तो उसका एक तो संरक्षण हो जाएगा, दूसरा जो है किसानों का जो है इससे रोजगार बन जाएगा। तो शुरुआत में हमने जो है 200 उत्पादकों से इसको शुरुआत की है। आज हमारे पास जो है 3,861 उत्पादक हैं, उनकी लगभग जो है 10,000 कॉलोनियाँ आज हैं। सही प्रशिक्षण और वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल का असर ये हुआ कि धीरे धीरे एक ओर जहां संस्था से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, वहीं इनके शहद उत्पादन में भी लगातार बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन मुश्किल ये कि पहाड़ों में स्थानीय तौर पर इस शहद की खपत काफी सीमित थी, और इसकी वजह से परिवारों को खास आमदनी हासिल नहीं होती थी। तब एटी इंडिया ने इस शहद की मार्केटिंग के लिए देवभूमि नेचुरल प्रोडक्ट्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को ये जिम्मेदारी दी। एक मुख्य जो कार्य है, जो भी हमारे प्रोड्यूसर हैं पहाड़ में, वहाँ से शहद इकट्ठा कर हमारा जो एडमिन और प्रोसेसिंग प्लांट है वो देहरादून में स्थित है, वहाँ से हम शहद को 30 किलो और 65 किलो के डब्बों में एकत्र कर वहाँ पर इकट्ठा करते हैं एक जगह प्लांट में। उसके बाद शहद का प्रोसेसिंग किया जाता है। प्रोसेसिंग करने के बाद एक हमारी सेमी प्रोसेस होती है जिसको हीटिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि शहद उत्पादकों को अब अपने पूरे उत्पादन के लिए बाजार मिल गया है। अब वे निश्चिंत हैं कि उनके मधुमक्खी बक्सों में पैदा हुई शहद की हर बूंद के लिए बाजार मौजूद है। देवभूमि FPO उत्पादकों से ये शहद 200 रुपए किलो पर इकट्ठा करता है, जबकि स्थानीय बाजार में 350 रुपए किलो तक यह शहद बेचा जा सकता है। लेकिन उत्पादक आमतौर पर स्थानीय बाजार में शहद बेचने के बाद अतिरिक्त शहद देवभूमि FPO को इसलिए देते हैं कि उनकी शहद बिकने का पक्का इंतजाम हो जाता है। उधर FPO का कहना है कि गांवों से शहद को इकट्ठा करने, फिर उसे देहरादून के प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुँचाने और फिर उन्हें पैक कर देश के कई हिस्सों तक ले जाने का खर्च जोड़कर ये शहद बाजार तक पहुंचते 650 रुपए प्रति किलो हो जाता है। चार बॉक्स है मेरे घर में और साल भर में 2-3 बार निकालते हैं हम, और कुछ अपने इसमें बेचते हैं, कुछ अपने लोगों में, कुछ अपने घर के लिए यूज हो जाता है, और काफ़ी अच्छा वो है हमारे पास ये शहद मधुमक्खी पालन का। अच्छी बात यह है कि मधुमक्खी पालन में
न तो ज्यादा निवेश की जरूरत होती है और न ही ज्यादा समय की, और इसीलिए इस काम से जुड़ी लगभग सभी किसान महिलाएं ही हैं। फिलहाल इस प्रोजेक्ट से उत्तराखंड के 5 जिलों रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी की लगभग 4000 महिला किसान जुड़ चुकी हैं और इन्होंने पिछले साल कुल 33 टन शहद का उत्पादन किया। इसमें से 20 टन शहद देवभूमि एफपीओ ने मार्केट किया, जबकि बाकी 13 टन स्थानीय बाजार में ही खप गया। यहाँ पे मेरे पास 11 गांव हैं जो मौन पालन में काम करते हैं, बी कीपिंग का काम करते हैं, और 159 मेरे जो प्रोड्यूसर हैं और 359 कॉलोनी हैं इनकी। एफपीओ का दावा यह भी है कि पहाड़ी मधुमक्खियों से निकाला गया शहद मैदान की तुलना में ज्यादा पौष्टिक और बेहतर होता है, जिसके कारण उन्हें इसकी ज्यादा कीमत भी मिलती है। दरअसल पहाड़ों की मधुमक्खियां या तो जंगली फूलों से रस लेती हैं या फिर उन खेतों से जहां रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग का चलन अमूमन नहीं पाया जाता, और इसीलिए ये शहद अपने आप ऑर्गेनिक की गुणवत्ता का हो जाता है। स्वाद और स्वास्थ्य दोनों ही लिहाज से ये शहद मैदानी शहद से बेहतर माना जाता है। दो ऑब्जेक्टिव्स था, एक तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हिमालय में और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो दोनों साथ में चलना चाहिए, क्योंकि बिना वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कोई लाइवलीहुड तो लंबे तक तो नहीं चल सकते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि उसको टाई अप होना चाहिए, और कौन सा लाइवलीहुड का चीज़ जो होता है कि कंजर्वेशन में रिलेट होता है। तो हम लोग पहले उसमें देखा वो बी कीपिंग तो यहाँ पे बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन कमर्शियल बेसिस नहीं था, लोग अपने आप वो चलाते थे, वो वॉल हाइव होते हैं ना, और गांव में बिकता है, लेकिन वैसे ज़्यादा कमर्शियल चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ का शहद बहुत बढ़िया है, उसका क्वालिटी बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है, और उसका वो लोग तो खाते हैं, हमेशा बोलते हैं कि ये सबसे बढ़िया शहद कहीं नहीं मिलता। अमेरिकी जैक रोजर भारत आए थे तो सिर्फ घूमने की नीयत से, लेकिन धीरे धीरे वो पक्के गढ़वाली हो गए और उन्हें लगा कि पहाड़ों को बचाने के लिए जरूरी है कि यहाँ के लोगों के हाथ में कुछ रकम आ जाए। इसीलिए उन्होंने गढ़वाल के 5 जिलों में कई प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं।